अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी का जश्न अभी थमा नहीं है। इटली में दो दिन की शादी के बाद फिर भारत में दो रिसेप्शन करने के बाद अभी दो पार्टी और बाकी हैं। जी हां, 28 नवंबर और 1 दिसंबर को मुंबई के ग्राउंड हयात होटल में दीपिका और रणवीर शादी भी पार्टी देने वाले हैं। 1 तारीख को होने वाली पार्टी में बॉलीवुड की तमाम नामी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। खबरों की माने तो दीपिका और रणवीर ने अपने इस रिसेप्शन में कैटरीना कैफ को भी इन्वाइट किया है। दीपिका और कैटरीना कैफ की कोल्ड वार से हर कोई वाकिफ है। जब दीपिका ने रणवीर कपूर से ब्रेकअप किया था तो उनकी जिंदगी में कैटरीना आ गई थी। इसके बाद से दोनों में कैट फाइट चल रही है। दोनों एक दूसरे के सामने आना भी पसंद नहीं करते हैं। स्पोर्ट बॉय की खबर के अनुसार दीपिका ने कैटरीना को अपने रिसेप्शन में इनवाइट किया है। कैटरीना कैफ को 4 दिन पहले इस रिसेप्शन का इनवाइट मिला है। इतना ही नहीं, कैटरीना कैफ भी इस पार्टी में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने इस बारे में सलमान खान से भी चर्चा की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कैटरीना कैफ इस पार्टी में सलमान खान और अली अब्बास जफर के साथ मौजूद हो सकती है। कैटरीना कैफ को खुद रणवीर सिंह की तरफ से भी पर्सनल मैसेज मिला है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्रीज के खास दोस्तों को पर्सनल मैसेज भेजकर उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। बता दें कि शादी के बाद जब दीपिका रणवीर ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की तब कैटरीना ने दोनों को विश किया था।